स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजी क्लास नाइन चैप्टर नंबर फोर सेल्स एंड टिश्यूज़ टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन सेल ऑर्गेनली इज़ द लास्ट ऑर्गेनली विच इज़ वेक्यूल ठीक है दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल ऑर्गेनली आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्यूल इज़ अ फ्लूड फिल्ड सिंगल मेम्रेन पाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन देंटर ऑफ अ मेच्योर प्लाट सेल जो हमारे पास वैक्यूल है ये एक सिंगल इसकी मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर बहुत सारा फ्लूड जो है वो फिल हुआ होता है ठीक है और प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे एनिमल सेल के और प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं जो कि उसके साइडोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन अगर बात की जाए प्लांट सेल की तो वहाँ पर जब प्लांट सेल मच्योर होता है तो वो स्मॉल जितने भी वेक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा वेक्यूल बना लेते हैं और एक बड़ा वेक्यूल बनने की वजह से वो जो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के उसको पुश कर दिया जाता है टूवर्ड्स साइड ठीक है तो जो वेक्यूल है एक सेंट्रल लार्ज वेक्यूल होता है सेंटर में और जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का मच्योर प्लांट सेल का वो साइड पर प्रेजेंट होता है ठीक है ये हो गया इसके अलावा अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो जो प्लांट सेल हैं उसके अंदर इतना एक सेंट्रल बड़ा वक्यूल होता है जो कि फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए एक्ट करता है फंक्शन उसका यही होता है तो जब वो इतना आ, इसके पास इतना एक सेंट्रल लार्ज वक्यूल होता है जिसके अंदर पानी स्टोर हुआ होता है तो उस स्टेट में हम लोग प्लांट सेल को कहते हैं कि डिटर्जेट हो गया है ठीक है यानी कि अब इसके पास जो है वाटर की जो अमाउंट है स्टोर्ड वो काफ़ी ज़्यादा है ठीक है और इसी तरह से एनिमल सेल में भी ये वाटर को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है और साथ में इसका एक और फंक्शन है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं वो मटीरियल uh, को फ्रॉम द आउटसाइड लेकर आते हैं टू द इनसाइड ठीक है इनसाइड लेकर आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड फूड वैक्यूल ठीक है जो मैंने आपको ये बताया भी था जैसे हम लोगों ने लाइजोसोम में पढ़ा था कि जो टारगेटेड मटेरियल होता है वो एक वैक्यूल की शेप में होता है और वो फिर हमारे पास प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ हो के एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं और वहाँ पर लाइजोसोम के जितने इंजाइम्स हैं वो उस टारगेट मटीरियल पर अपना काम करते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्मॉल वैक्यूल जो जिसके अंदर टारगेट मटीरियल होता है यही फूड होता है जो कि फ़्रॉम आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द इन साइड ऑफ द सेल ठीक है और वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ होकर वहाँ पे जितना भी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट किया जाता है इसके अलावा अगर देखें तो कुछ जो हमारे पास यूनी सेल ऑर्गेनिज़म्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं उनके पास एक कंट्रेक्टाइल वक्यूल होता है इससे कि वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी उनकी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ठीक है इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल सेल सिंपल सिंगल सेल है ठीक है और यहाँ पर इसके पास आ, जो है बहुत सारा लिक्विड होता है ठीक है लिक्विड के साथ साथ इसके अंदर फूड पार्टिकल्स भी होते हैं ठीक है थीके? वो वैक्यूल जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? और बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट होता है तो ये सिंपल ये हमारे पास एक ऐसा वैक्यूल होता है ठीक है और इस, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो वैक्यूल जो कि पानी को स्टोर करता है उसके अंदर पानी पानी बहुत सारा प्रेजेंट होता है और वो जिस जिसकी जिसके थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके अंदर सिंपल एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है और उसको जहाँ पर सेल को ज़रूरत है वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ठीक है ये था आज का हमारा लेक्चर वेह्यूल हमारी जितने भी सेल ऑर्गेनलीज के अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज थी वो हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर दी हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान में डिफरेंस बताना सिखाऊंगी और आ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़